मैं इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है कोरोना नियमों के उल्लंघन से जुड़ी हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी ऑफिस में हजारों की भीड़ जुटी थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों की भीड़ जुटी थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी नेताओं को आज समाजवादी पार्टी में शामिल होना था, ज्वाइन करना था, इसलिए समर्थकों की भीड़ जुटाई गई, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज इंडिया ने भी प्रमुखता से यह खबर दिखाई, जिसके आधार पर अब पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ पर ज्यादातर कार्यकर्ताओं नेताओं को आप बिना मास्क के देख सकते हैं। दरअसल शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था समाजवादी पार्टी और उन नेताओं की तरफ से जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे थे। ऐसे में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर लोग बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। दरअसल चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी रैली रोड शो पर पाबंदी रहेगी 15 तारीख तक, लेकिन इस नियम की अनदेखी की समाजवादी पार्टी ने, इसलिए महामारी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों की भीड़ जुटी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा था, वर्चुअल रैली लिखी थी, लेकिन वर्चुअल जैसी कोई चीज यहां पर दिखी नहीं। लोग फिजिकली वहां पर मौजूद थे, फिजिकल रैली हुई जहां पर हजारों की भीड़ जुटी लखनऊ में। यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई, तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले थे, इसलिए ये भीड़ जुटाई गई थी, जुटी थी। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं लखनऊ से। अभिनव, यह अंदेशा पहले से था, यह अंदाजा पहले से था, मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, कि ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, बार बार दिखाई, किस तरीके से कोरोना काल में चुनाव आयोग ने जो नियम कायदे कानून तय किए गए हैं उसकी अवहेलना की गई, अनदेखी की गई, तो मामला दर्ज होगा और मामला दर्ज भी हुआ। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि मामला दर्ज होना ही था, क्योंकि जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का की अवहेलना हो रही थी, लगातार जो कोविड के दौरान जो है इस समय जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और हम लोग खुद मैं खुद वहां पर मौजूद था और मैंने देखा कि किसी ने इस बात की जो है चिंता जाहिर नहीं की कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ जुटाना कहां तक हद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे शक्ति प्रदर्शन करना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये कहीं ना कहीं जो है काफी घातक था, और सब उन लोगों के लिए था जो भीड़ यहाँ पर थी। और हमने बाकायदे आपने देखा कि लोगों से, जनता से जब हमने पूछा कि आखिर यहाँ पर आए, उन लोगों का कहना था कि ये कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को कोविड होता है लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को कोरोना नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मार्च के महीने में जो महामारी हुई थी उसमें आपने देखा कि कोई अछूता नहीं था, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम लोग के कार्यकर्ता और कई ऐसे विधायक थे जिनकी की डेथ भी हो गई थी, लेकिन इसके इस तरह का यहाँ पर वक्तव्य देना, इस तरह का बयान देना, और साथ ही साथ बेशर्मी तो तब हो गई जब एक व्यक्ति से, जब एक नेता से मैंने पूछा तो उनका साफ तौर से कहना था कि बहुत माइन्यूट इस बार है, इस बार कुछ नहीं हो रहा है, एक फ्लू की तरह से है। लेकिन जिस तरह से चिंता देश और विदेश में है, WHO ने जहां से चिंता जाहिर की है, दूसरी तरह से वॉयलेशन भी था, ये कोविड का तो था ही था, साथ में चुनाव आयोग का भी था, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि परमिशन के बिना और धारा 144 जहां पर लागू है, चार लोग से पांच लोग से ज्यादा इस समय एक साथ जाट उकट्ठा एकत्रित नहीं हो सकते थे। ऐसे में इस ज्वाइनिंग को बहुत सिंपल बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी सिंपल जो है न बनाकर इतना हमने देखा कि हजारों की संख्या में भीड़ बुला के स्वामी प्रसाद मौर्य ये शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस समय अब बाकायदे जो है हमारा शक्ति है, हमारे लोग यहाँ पर मौजूद, और पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया था, कम से कम हजारों की संख्या में गाड़ी वहां पर बुलाई गई थी, इस तरह की चीजें यहाँ पर जो है बुलाकर, और न सिर्फ कोविड का बल्कि इलेक्शन कमीशन का भी वॉयलेशन किया और जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। बिल्कुल, सिर्फ वहां पर मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम मात्र का लिखा हुआ था दिखाने के लिए, और वर्चुअल रैली लिखी हुई थी लेकिन वर्चुअल रैली कतई नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।